एक नीचे आ रहा है, नॉक। से सभी लोग अच्छे हो गए और नई वीडियो हो सकती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो पूरी वेच करना, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। और गाइज मैं रॉयल पास देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी वेच करना। वीडियो के बीच में मैं कहीं भी बताऊँगा रॉयल पास कैसे आपको मिलेगा और कितने रॉयल पास मैं गिवे करने वाला हूँ। अब मेरे साथ यहाँ गुफा में एक बंदा आ जाता है, तो भाई इसको उजी मेरे हाथ में मिल जाती है। इससे पहले मुझे इसकी भी गन मिल गई थी, बट मुझे उजी मिल गई थी तो सीधा हेड शिप करते, उसके बाद इसको और बंदे इधर होते हैं। चलो इनको भी देखते हैं भाई, ये सामने बंदा था तो मेरा टीममेट उसको मार देता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है ना, थर्ड पार्टी हो जाती है, हम किसी और से फाइट ले रहे हैं, बीच में कोई और कूद जाता है, तो बाकी इधर इनको भी नहीं डालते हैं, थोड़ा बहुत केडी मेंटेन हो जाएगी। और बाकी पीछे लौंडे भर भर के भी हैं, तो टेंशन किल हुआ है। और यहाँ पे बोट को मार के ना 3 किल होने वाला है, क्योंकि 2 बोट यहाँ पे मैं मार लूँगा, तो बचेंगे भी बाकी सारे बंदे पीछे। तो भाई डर लग रहा था आगे जाने में मुझे, ये देखो सामने इधर बंदे हैं, यहाँ पे एक पता नहीं कितने से भाई, इसको मुझे समझ भी नहीं आता, फुटस्टेप भी नहीं आती, और ये बंदा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और भाई आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़, मैं 20 रॉयल पास का गिव स्टार्ट कर चुका हूँ, तो आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए भी क्या बोलते हैं पॉपुलरिटी का बैटल चल रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, मेरी आईडी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है कॉपी करना है और गेम के अंदर पेस्ट करके आप लोगों को पॉपुलरिटी भर भर के भेजनी है। जिसका भी 10K पॉपुलरिटी कंप्लीट होगा उसको तुरंत फटाफट मिलेगा रॉयल पास। तो भाई जिसके पास भी रॉयल पास नहीं तो मिस मत करना, ज्वाइन करना। अब ये बंदा मुझे ओपन में दिखता है तो सीधा इसको नॉक फिनिश डालते हैं। बाकी देखो उस गुफे के अंदर ना एक लौंडा कब से कैम्प करके बैठा है, तो बहुत देर से वेट करने के बाद मैं फाइनली आ ही जाता हूँ। अरे भाई M249 लेके बंदा नॉन स्टॉप फायर देते जा रहा है, भाई क्या चाहते हो, आधी से ज़्यादा एचपी मेरी ले चुका था, और पीछे से फुट से आ रही थी और लौंडों की। मैं फटाक से पीछे पत्थर के आ जाता हूँ, पत्थर के पीछे आ जाता हूँ, तो हेल्थ वेल्थ कर लूँगा, उसके बाद लौंडों को देखते हैं कि किधर किधर लौंडे हैं। देखो अभी फुट से उधर से आ रही है, लौंडा आ रहा है, देखो अब अभी इस लौंडे को नॉक फिनिश दोनों डालते हैं। बाकी इसका एक टीममेट ना वो सामने पत्थर के आसपास कहीं फायर दे रहा था, फिर बहुत देर में खोजता हूँ इधर बैठो, मिलता नहीं सर, भाग जाता है। तो अपन इधर लूट टूट थोड़ा करते हैं, क्योंकि पूरा खाली हो चुका है ये गुफा, ये पूरा ऑल गुफा खाली हो चुका है, तो हम लोग पूरा भरपूर लूट करने वाले हैं भाई, लूट करने का मजा ही। बाकी आके देखते हैं, चलो भाई अब यहाँ पे ना तो एक भी बोट है और ना एक भी बंदा है, तो उधर से हम लोग आ जाते हैं अपार्टमेंट, और यहाँ पे बंदे भर भर के मार्क द लोकेशन। अब ये ऊपर वाला लौंडा ना भाई क्या ही बताऊँ, नेक्स्ट लेवल का कैंपर है, और ना तो ये नीचे आने का नाम ले रहा है और ना फाइट लेने का नाम ले रहा है। तो मैं बाहर जाकर थोड़ा बहुत नेड मौली करूँगा, बाकी इसको कुछ असर होता नहीं है, बाकी 1-2 किल और यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ये ऊपर वाले बंदे ना बिल्कुल भी फाइट लेने के लिए तैयार नहीं थे। अब ये सामने ये बोट था, अभी बंदा मुझे नहीं पता, बस अचानक आता है, इसको नॉक फिनिश दोनों डालता हूँ एक ही साथ,
और भाई ये सामने वाले बंदे ना क्या ही बताओ, नेक्स्ट लेवल के भाई कैंपर हैं, बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे फाइट लेने का। भाई क्यों गेम खेल रहे हो इतना, जब नहीं फाइट लेनी है तो रैंक पुश करना चाहते हो भाई? क्यों रैंक पुश करना है भाई, हमारे लॉबी में रैंक पुश नहीं चलता है, फाइट ली जाती है तो भाई बंदे फाइट नहीं लेते हैं। और बाकी इधर एक बग्गी आती है, साउंड मुझे आ गया था इस बार बग्गी आने का, लेकिन बट मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन ये बंदा फायर देता है तो मैं इसको बोलता हूँ ले बेटा, फिर नॉक फिनिश इसको भी डाल देते हैं। और उसके बाद देखो सामने रिच पे भी बंदे हैं और ये अपने अपार्ट के ऊपर भी बंदे हैं, तो बहुत देर वेट करता हूँ, बहुत नेट मॉली बहुत सारा कुछ करता हूँ, बट ये बंदे नॉक होते हैं ना फिनिश होते हैं। तो मैं बहुत सारा वेट करने के बाद ना इधर से निकल जाता हूँ, इधर से निकलने के बाद ना ये रिच पे आ जाता हूँ। मैं आया, खुद आया, मैं खुद आया। ओके ओके अब ये बंदे ना अभी तक भाई उधर ही बैठे पड़े हैं, तो जोन काट रहे हैं फिर भी लौंडों को बाहर नहीं आना है, उधर ही बैठे रहना है। तो अब इन लोगों को क्या मैं बताऊं, इसका एक बंदा देखो इधर तो शायद, लेकिन देखो ये बंदा इधर क्या, ये अपार्ट वाला ही लौंडा है अभी से निकला है। ये बेटा इसको नॉक डालता हूँ और इसका टीममेट पता नहीं कहाँ होता है, मुझे नहीं पता, बट इसको नॉक करता हूँ। उसके बाद और इधर अब कोई फिनिश डाल के सीधा आ जाते हैं पोसिंग की, पोसिंग की बहुत देर से वो क्या बोलते हैं चर्च की तरफ फाइट हो रही थी। अब यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, अभी एक ये लूट डालते हैं, शायद किल मेरा टीममेट लेगा, चलो कोई ना मेरा टीममेट किल ले गया, बट अभी देखो क्या होने वाला है। एक को मैंने इधर मेरा टीममेट इधर फिनिश डाला, बाकी इधर कितने बंदे हैं मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितने बंदे हैं। अब भाई मेरा टीममेट इतना खुश इसलिए होता है कि उसने पेटी के पास एक ग्रेनेड किया और बंदा हो जाता है फिनिश। अब भाई ने सोचा चलो अब फिनिश हो गया, अब आराम से इधर पेटी लूटते, बंदा हो जाता है खुश। अब ही देखो इसके साथ क्या होने वाला है, बस देखो। अरे उसे लेटा हुआ है नीचे जमीन पे, वो रहने दो भाई, कभी खुशी कभी गम, आप लोग कुछ कहना चाहोगे भाई? क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट ये बंदा होता है कहीं कैंप करके बैठा हुआ है, बंदा मेरा जाता है ऊपर पेटी लूटने, वो सीधा पेटी बना देता है। भाई मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि क्या बताएं। अब ये सामने बंदा किधर होता है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं मिल पा रहा था कि बंदा है कहाँ। मुझे कभी कभी लग रहा था ऊपर बैठा हुआ है, कभी कभी लग रहा था कि बिल्कुल पीछे है। तो मैं बोलता हूँ भैया बाहर में जाओ, तुम कहीं रहो करते रहो कैंप, मैं नहीं आगे आने वाला। मैं एक काम करता हूँ, इधर से गाड़ी उठाता हूँ और निकल जाता हूँ जोन की तरफ, क्योंकि भाई मुझे नहीं फाइट लेनी भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ तुमसे। फिर देखो लास्ट सर्कल बन गया, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा छोटा जोन हो गया है। और ये पेड़ के पास होता है एक लौंडा, इसको डैमेज देता हूँ बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पीछे चला जाता है। तो मैं बोलता हूँ चलो कोई ना, डैमेज दे दिया, एक ही बंदा घुस जाता है, लेकिन देखो बहुत बढ़िया भाई, क्या क्लीन किया यार एकदम से भाई। अब यहाँ पे मेरी फटके हाथ में आ जाती है, मैंने मारने देखो एक बंदे को आया था, निकलते हैं दो, उसके बाद तीसरा बंदा भी आ जाता है। मैं बोलता हूँ भाई गया गेम ख़त्म, टाटा बाय बाय, लेकिन कैसे भी वहाँ सर्वाइव कर लेता हूँ। बाकी अभी ये देखो क्या है भाई, ये उधर लेटा पड़ा है भाई, ये तो बंदा, कोई ना वापस आते हैं मारेंगे इसको। ले बेटा, अरे तेरी, खड़ा हो गया ये तो, और तेरी बग्गी फिसल गई भाई, लो भाई टाटा बाय बाय, मेरी बेटी बन गई। अरे भाई गाड़ी नहीं रुकना, गाड़ी नहीं रुकना। अब भाई मेरा टीममेट बोलता है गाड़ी नहीं रुकना चाहिए था, बट मैं कैसे बताऊं भाई, गाड़ी फिसल गई थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कोई ना गाइस, चिकन डिनर नहीं हो पाया, बिल्कुल हाथ में था मेरे चिकन डिनर बट नहीं हो पाया। बट कोई ना, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और भाई पॉपुलैरिटी देते रहना भर भर के अपने भाई को,
और रॉयल पास तो कंफर्म मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।